हाल ही में आए यूपीएससी सीएपीएफ के परिणाम में करौली के बेटे दिव्यांग सिंह चौहान ने ऑल इंडिया में 118वीं रैंक हासिल की है। दिव्यांग ने अपनी यह सफलता पहले ही प्रयास में 5 घंटे की नियमित पढ़ाई और टॉपर्स को फॉलो कर उनके वीडियो देखकर हासिल की है। बेटे की इसी बड़ी सफलता से आज करौली के एक सामान्य परिवार में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2020 में कंप्लीट की थी और मैंने अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के टाइम ही सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है। तो उस टाइम मैंने ये यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के बारे में रिसर्च किया, उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाई, टॉपर्स की वीडियोस देखी और थर्ड ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो 2020 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 2021 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और उसी में मैंने अपनी स्टेजेस क्लियर करता चला गया था। और उसके बाद इसका इंटरव्यू 2022 में होने वाला था बट वो लीगल इश्यूज की वजह से पोस्टपोन होकर 2023 में हुआ और उसका अभी रिजल्ट आया है जो कि मैंने क्लियर कर लिया और मुझे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिली है। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन घर पे रहके ही की है, स्टैंडर्ड बुक से कोई भी कोचिंग नहीं ली है और टॉपर्स की वीडियोस देखी, उन्हीं की स्ट्रेटेजी से मैंने फॉलो किया है सब कुछ और इसमें मेरा पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैं एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस रखें अपने में, ये बहुत लंबी जर्नी है तो पेशेंस रखना होता है इसमें और इसमें स्मार्ट वर्क बहुत करना होता है, बहुत ज़्यादा इसमें लोग होते हैं तो स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, टॉपर्स को फॉलो करना पड़ता है और मतलब आप कुछ भी सोच लो तो एग्ज़ाम कोई सा भी आप क्लियर कर सकते हो। मैंने इसमें 5-6 घंटे डेली पढ़ाई की थी, 2-3 साल तक लगभग, और इसमें मुझे हेल्प मिली है रेगुलर।